नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक चीज समझ में नहीं आ रही, इस समय थोड़ा देश जलने लगा है, और जो समझ से बाहर की चीज है वो ये है कि बीजेपी मर्ज का इलाज क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी किसी भी समस्या का समाधान क्यों नहीं करती है। मैं जब बीजेपी बोल रहा हूं तो मैं मुख्य रूप से केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो क्यों नहीं किसी जो भी समस्या है उसका समाधान कर रही है। आज देश में जो अग्निवीर को लेके जो नवयुवकों में रोष था, मूल रूप से अग्निवीर को क्या, बेरोजगारी को लेके रोष था, वो आज वो और फैल गया है। आज तेलंगाना, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, अब सब जगह ये वाइड स्प्रेड हो रहा है। और इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि केवल ये नॉन बीजेपी स्टेट्स में हो रहा है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में से ये शुरू हुआ और खास करके हिंदी पट्टी में शुरू हुआ। और आगे बात करूं उससे पहले एक आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए बहुत काम करता है, क्योंकि हमें उससे उत्साह भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी सी रकम हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में देनी होगी। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी से छोटी आर्थिक मदद भी हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। मुझे जो मेरी समझ है, बीजेपी का एक पुराना वो है ना, बीजेपी शायद उस तरह से किसी भी जो मर्ज है, मर्ज का इलाज की जगह लक्षण के इलाज करना चाह रही है, चाह ये रही है कि जो भी समस्या आए, जो भी प्रॉब्लम आए उससे बड़ी प्रॉब्लम में खड़ी कर दो तो पुरानी प्रॉब्लम को लोग भूल जाते हैं। राहुल गांधी का 3 दिन तक लगातार ईडी में पूछताछ करना और फिर उनको बुलाना और फिर वो मतलब अभी क्रमशः बाकी है अभी पूछताछ, मेरे हिसाब से उसका एक उससे केवल इस समय जो बीजेपी तत्कालिक रूप से बीजेपी का फायदा हो रहा है। अब बहुत से लोगों को लगेगा क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जो भी फिलॉसफी हो कि उससे राहुल गांधी मजबूत होके निकलेंगे, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी इत्यादि इत्यादि, लेकिन फिलहाल के लिए उससे बीजेपी का फायदा हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि क्यों। 7-8 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी नज़र में, अगर राहुल गांधी का ये केस नहीं चलता तो इन चीज़ों पे बीजेपी घिरती हुई नज़र आती है। उसमें सबसे पहली बात है नूपुर शर्मा वाला केस। नूपुर शर्मा वाले केस में नूपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, नूपुर शर्मा की अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। पार्टी ने जो कार्रवाई की हो वो सरकार की कार्रवाई नहीं मानी जा सकती है। नूपुर शर्मा के पक्ष में एक साद अली नाम के एक 19 वर्षीय लड़के ने महाराष्ट्र में कहीं उसके पक्ष में कुछ लिखा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। नूपुर शर्मा के बयान लेने के लिए या जो भी है उनको समन देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली बैठी हुई है, लेकिन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी करने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। क्यों नहीं, ये प्रश्न शायद बीजेपी के लिए अनकंफर्टेबल प्रश्न था। बीजेपी आज कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज में, विदेश में ये देने में सफल हो रही है कि हमने नूपुर शर्मा के ऊपर बहुत बड़ा कदम लिया है। वो कदम पार्टी ने लिया है, सरकार ने नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन जो बाहर गया है वो, क्योंकि अमेरिका ने कल या आज अमेरिका ने भी ये कहा है कि ठीक है, बहुत गलत बात थी, नूपुर शर्मा को इस तरह का नहीं, लेकिन जो भारत सरकार ने कदम लिए वो ठीक है और उसको कंटेन करने का। भारत सरकार ने कोई कदम ही नहीं लिए हैं भाई, उनके अगेंस्ट FIR है, उनको गिरफ्तार करना है, वो गिरफ्तार किया नहीं है भारत सरकार ने अभी तक। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा फायदा बीजेपी को इस समय राहुल गांधी की कंट्रोवर्सी को और उस जो पूछताछ है उसको प्रोलॉन्ग और लंबा खींचने का एक बड़ा कारण नूपुर शर्मा के केस को कारपेट के नीचे रखना है कि उस पर लोग बहुत चर्चा ना करें। दूसरा मेरे हिसाब से एक कारण और है जिसकी वजह से इस समय बीजेपी नहीं चाहती है या केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि राहुल गांधी का केस ठंडे बस्ते में जाए, या वो तुरंत झटपट उस पर कोई कार्रवाई हो या उस पर कोई एक कंक्लूसिव उनसे पूछताछ हो और फिर उस पर चार्जशीट फाइल हो। क्योंकि जैसे अभी श्रीलंका का एक मामला आया था जहाँ के श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बताया कि कैसे अडानी को हमारे प्रधानमंत्री के मोदी जी के कहने से, जो उनके प्रधानमंत्री ने उनको बताया कहने से, उन्होंने वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी मचती बाद में, हालांकि उन लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिए। ये जो चेयरमैन साहब थे इन्होंने पहले कहा कि नहीं मैं कुछ, मतलब चेयरमैन साहब कुछ और उसमें ये बयान दे गए, फिर उन्होंने दूसरे दिन उनसे इस्तीफा ले लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जैसे भी मानिए, लेकिन वो पद से हटा भी दिए गए, तो डैमेज कंट्रोल हुआ। लेकिन अगर आज ये राहुल गांधी की बातचीत नहीं हो रही होती तो मेरे ख्याल में ये देश कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी पूछ रहा होता कि भाई अडानी को
ठेका दिलवाने में, जैसे अनिल अंबानी को जैसे हुआ था ना रफाल वाली डील में, वैसे हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग क्यों इंटरफियर करते हैं। दूसरा मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ इस समय आर्थिक पक्ष पे हो रही है जिस पे देश करीब करीब साइलेंट है। रेपो रेट जो बढ़ गया है उसकी वजह से किस्तें बढ़ गई हैं, लेकिन जो एक मध्यम वर्गीय एक जो लोग हैं उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत लोग इन्वेस्ट किए हैं, अपनी किसी की सेविंग है, किसी की रिटायरमेंट के बाद का जो उनको पैसा मिलता है वो उसमें डाला गया है। और हो क्या रहा है, सेंसेक्स बुरी तरह से गिर रहा है। LIC का शेयर जो लोगों ने 940 रुपये में या 939 रुपये में लिया था वो आज 650 हो गया है। लोगों के पैसे डूब रहे हैं। ऐसा एक एस्टिमेट यह है कि कल तक करीब 35-40 लाख रुपये लोगों के स्टॉक मार्केट में डूब चुके थे। अब लोग कहेंगे इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि स्टॉक भी डूब रहा है और सोने के रेट भी गिर रहे हैं। सोने के रेट जो 24 कैरेट का शायद पहली मई को 52,700 था, 52,100 है, सोने के रेट भी गिर रहे हैं। ऐसा नहीं होता था पहले, अगर स्टॉक गिरता था तो लोग सोने की तरफ भागते थे, वो भी नहीं हो रहा है। डॉलर की बुरी तरह से बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है, 78 के ऊपर रुपया चल रहा है। तो ये जो 3-4 पैरामीटर्स होते हैं आर्थिक नीति के कि हमारे देश की तरफ, वो सारे इस समय बहुत ही निगेटिव हैं, बहुत ही डराने वाले हैं। एक चीज़ एक ये तीसरा हुआ, मेरे हिसाब से चौथा एक बड़ा डिस्कशन होता और वो कहीं पेपर के अंदर के पेज में रह गया और लोगों ने अब उसको मेरे ख्याल में भूल चुके हैं, भूल ही जाएंगे एक आध दिन में और भूल जाएंगे, जो काले धन को कैसे लाया जाए और काले धन के ऊपर कैसे कार्रवाई की जाए, दोषियों को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए जो SIT बनी थी 2014 में, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने अपनी पहले कैबिनेट मीटिंग में जो SIT बनाई थी उसमें दो मेंबर थे, जस्टिस शाह और जस्टिस पसायत। उसके जो जस्टिस शाह चेयरमैन थे, ये डिप्टी चेयरमैन या असिस्टेंट चेयरमैन थे, पसायत साहब इस पर 7-8 साल से इन्होंने बहुत से वो दिए कि इसको काला धन ऐसे पकड़ा जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, और खुद अपने काले धन को एक एमनेस्टी में 2019 या 2020 में उन्होंने अपने काले धन को डिस्क्लोज करके एक जो रकम होती है 37-38 लाख रुपए रकम करके अपने काले धन को सफ़ेद किया है। इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कितनी अजीब सी बात है कि जिस व्यक्ति को कहा गया है कि काला धन और इन सब पे वो करो, वो खुद ही अपना काला धन वाइट कर रहा है, इस पर बहस नहीं हो रही है। पाँचवीं चीज़ मेरे हिसाब से जो बुलडोज़र द्वारा एक त्वरित न्याय देने की एक जो खास करके उत्तर प्रदेश में और यहाँ से देख के बहुत से और प्रदेश भी इसको फॉलो कर रहे हैं, खास करके BJP रूल्ड स्टेट, क्योंकि अदरवाइज ये BJP की बात नहीं है। आज BJP कर रही है, कल के दिन बाकी स्टेट में बाकी पार्टीज भी करेंगे। वो जो एक त्वरित न्याय, मैं न्याय दूंगा क्योंकि अब न्यायालय की ज़रूरत नहीं है, पुलिसी वहाँ जाएगी, जो भी पार्टी विशेष होगी वो तय कर देगी और पुलिसी वहाँ पे तुरंत न्याय कर देगी। रेफरेंस है जावेद का जो घर गिराया गया है इलाहाबाद में, जावेद के नाम से घर नहीं था, जावेद को ऐसा जैसा अभी तक कहा जा रहा है कि उसको पूरा टाइम नहीं दिया गया, उसको एक दिन की नोटिस दी गई इत्यादि, वो सब भी एक तरह से पब्लिक मेमोरी से मिटाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर आज ये चंद लोग मिलके तय कर रहे हैं कि ठीक है जावेद का या अहमद का या अब्दुल का या रमज़ान का, इनका अगर किसी का घर है तो हम लोग उसको बुलडोज कर देंगे, तो कल के दिन राम का और श्याम का और कृष्ण का, अगर इस हमारा आनंद का किसी का भी अगर घर होता है तो वो घर भी इस जद में आ सकता है, ये लोग भूल रहे हैं। छठी बात मेरे हिसाब से एक बड़ा, क्योंकि वो अभी जो अग्निपथ का नया जिसको लेके सारे देश में बवाल चल रहा है उससे रिलेटेड है लेकिन लोग उसको भूले हुए हैं। 6-7 महीने होने जा रहे हैं, देश के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो मतलब सबसे बड़े पद में देश के रक्षा के सब सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, 7 महीने से पद खाली है। मतलब देश की सुरक्षा कैसे होगी, आप देश के पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं इंपॉर्टेंट कि अग्निवीर को भर्ती करेंगे, टेम्पररी सोल्जर्स होंगे, और आपके पास 7 महीने से CDS नहीं है, नहीं चर्चा हो रही है। सातवीं चीज़ मेरे हिसाब से जिसको ये आप सामने देख रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है, आप उसको पैचवर्क करके इसको कहते हैं ना, इधर उधर कहीं पंचर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं? अग्निपथ किया आपने, पहले कहा कि नहीं नहीं 21 साल तक, आप इनिशियली जब अप्रैल में आई थी ये पॉलिसी तो 3 साल के लिए थी, फिर आपने 4 साल कर दिया। 4 साल इसलिए कर दिया कि अगर 5 साल करते तो आपको सारे बेनिफिट्स देने पड़ते। अब आपने 4 साल किया, 21 साल तक की एज रखी। अब आपने कहा कि पहले साल 40,000 लोग रिक्रूट किए जाएंगे, अब आपने कहा कि नहीं 21 साल की जगह आप 23 साल तक किए। आपने नंबर्स को नहीं बढ़ाया। आज देश का यूथ इसलिए परेशान है कि उसको लग रहा है कि 40,000 ये नौकरी जो आप दे रहे हैं वो भी टेम्प्ररी बेसिस पे, उससे होगा क्या? आप 10 लाख रिक्त पदों को भरने की बात कर रहे हैं, आप 2 करोड़ नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपसे पूछे कि आपके चुनावी वादे, जो आप बाकी चुनावी वादे, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो NRC हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो सब आपको याद है, लेकिन जो पेट से वाली बात है, जो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने वाली बात है, वो आपको नहीं याद है, तो वो भी आप डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। ये 7 मेरे हिसाब से प्रमुख बातें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी एक समस्या कर दो देश की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसमें फंसी रहे। राहुल गांधी, उसके नेता जेल चले गए हैं, हम सब लोग उसी में जुट गए हैं कि राहुल गांधी बाहर कैसे आएंगे और राहुल गांधी के सामने मतलब मैं ज़्यादा कुर्बानी दे सकता हूँ इत्यादि इत्यादि करने में, लेकिन देश की जो ज्वलंत जलती हुई समस्याएँ हैं वो कम से कम तब तक बैकग्राउंड में रहेगी जब तक भाजपा की सरकार ये तय किए रहेगी कि राहुल गांधी का जो ये चल रहा है तमाशा, जो उनको ED में बुला के जिस तरह से किया जा रहा है, इसको वो कितने लंबे समय तक खींचते हैं। मैं एक आग्रह आपसे और कर रहा हूँ। आग्रह ये है कि मेरी किताब आ गई है, हे राम टू जय श्री राम, अभी अंग्रेज़ी में है और Amazon और Flipkart पे उपलब्ध है। डायरेक्टली मैं लिंक इसमें शेयर कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली भी मंगा सकते हैं जहाँ पे मैं साइन करके आपके नाम के साथ या जैसे भी आप चाहें वो आपको भेज सकता हूँ। तो किताब को थोड़ा पढ़िए। इस किताब में हे राम टू जय श्री राम की जर्नी है, इस 75 साल के हिंदुस्तान की जर्नी है। 20 प्रमुख तारीखें हैं जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नई जानकारियाँ, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो आधी पता थी आधी नहीं पता थी वो भी पता लगेगी। इंटरेस्टिंग है। आग्रह है कि किताब लीजिए, पढ़ के और फिर बताइए कि आपको इस किताब में क्या ठीक लगा, क्या ठीक नहीं लगा। थैंक यू सो मच।